गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो रेट चेंजेस नोटिफाई किए गए हैं, इसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो लोगों में आ रही है। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस आइटम पे जो रेट इंक्रीज हुआ है वो कब से लागू होगा और किस आइटम पे लागू किया जाएगा। सबसे पहले मैंने ओपन किया है नोटिफिकेशन नंबर 14/2021। इसमें जो है ना, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंड से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को आइटम वाइज जो चेंजेस हुए हैं नोटिफिकेशंस के अंदर रेट आइटम्स, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले महीने की टैक्स मैगजीन में आप लोगों को इंक्लूड करके दे दिया जाए। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि आपको रेट वाइज डिटेल्स जो है वो HSN कोड के साथ प्रोड्यूस कर दिया जाए। अब यहां पर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन नंबर 14 जो स्टार्टिंग है और जो एंडिंग है इसको समझना जरूरी है। यहां पर जैसे एंट्री नंबर है 171A11, चैप्टर कोड है 64, इसे कौन से वाले कैटेगरी में लाया गया है, अगर आप देखेंगे तो जो नोटिफिकेशन नंबर 14 है वो चेंज करता है नोटिफिकेशन नंबर 1 को, अमेंड कर रहा है नोटिफिकेशन नंबर 1 को, यानी कि रेट नोटिफिकेशन को। उस रेट नोटिफिकेशन का जो शेड्यूल है, शेड्यूल 2, जिसके अंदर 12% के आइटम है, उस 12% की लिस्ट की बात हो रही है, क्योंकि शेड्यूल 3 जो है वो 18% का है, जिसमें से कुछ एंट्रीज डिलीट करी गई, यानी कि इस बार 18% में गुड्स की कैटेगरी में कोई नया इंक्लूजन नहीं है, सर्विसेज की कैटेगरी में एक जबरदस्त इंक्लूजन है वो अभी देखेंगे। तो 12% में सबसे पहली एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फुटवेयर ऑफ सेल वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1000 पर पेयर, यानी कि जो फुटवेयर है अगर उसकी वैल्यू 1000 रुपए जोड़े से कम है तो वो अब कितने की हो जाएगी, वो अब हो जाएगी 12% की। पहले हुआ करती थी 5% की। तो सर ये 12% जो है वो 1000 रुपए से कम वाले के लिए, तो 1000 रुपए से ज्यादा वाले के लिए क्या होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि फुटवेयर के अंदर पहले दो कैटेगरी हुआ करता था, 1000 रुपए से कम 5%, 1000 रुपए से ऊपर 12%। तो अब यहां पर ये बोल दिया गया है कि 1000 रुपए से कम होगा तो भी 12% और 1000 रुपए से ऊपर तो पहले ही 12% था। तो कुल मिलाकर के फुटवेयर के ऊपर 12% का जीएसटी ये अब लागू कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 1, फुटवेयर को लेके जो चैप्टर हेडिंग 64 के अंदर फॉल करता है उसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन था, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। फुटवेयर 12% 1 जनवरी 2022। अब यहां पर सवाल यह है कि सर ये हमारे पास स्टॉक रहेगा 5% का तो कैसे क्या होगा? इसके लिए एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो प्रोग्रेस में है कि आपका अगर रेट चेंज होता है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। अगर आपको वो वीडियोस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करा सकते हैं, चैनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, वीडियोस जैसे ही अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब आते हैं अगले आइटम पे, और अगला आइटम जो है वो इंपॉर्टेंट है गारमेंट सेक्टर के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, गारमेंट सेक्टर में जो जॉब वर्क होता है, जो डाइंग का काम होता है, जो प्रिंटिंग का काम होता है, उसके अंदर काफी बड़ा चेंज किया गया है। ये मैंने आपके सामने ओपन करा है नोटिफिकेशन नंबर 15। इस नोटिफिकेशन नंबर 15 के अंदर काफी बड़े चेंजेस किए गए हैं। इसमें बेसिकली सर्विस के जो जीएसटी रेट्स हैं, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 11 में दिए गए थे, उसको चेंज किया गया। नोटिफिकेशन नंबर 11 का जो सीरियल नंबर 26 है, जो कि बात करता है हेडिंग नंबर 9988, ये है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऑन फिजिकल इनपुट्स या फिर गुड्स ओन्ड बाय अदर्स, यानी कि जॉब वर्क। जॉब वर्क का मीनिंग ही यही है कि किसी और के गुड्स पे और कोई बंदा उस पे काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा या प्रोसेसिंग करेगा। तो इसमें जो जीएसटी के रेट्स दिए गए थे सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स, यानी कि प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स से रिलेटेड जो जॉब वर्क होगा वो होगा 5%। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 50 263
यानी कि 50 से लेके 63 HSN के ये जो चैप्टर कोड हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है जिसका HSN कोड 50 से लेके 63 के चैप्टर हेडिंग के बीच फॉल करता है इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम टैरिफ, तो वो पहले हुआ करता था 5%। अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ, जो अमेंडमेंट आया है नोटिफिकेशन 15 में, उसने यहां से जो ये एक्सेप्ट सर्विसेज, मैं आपको डिफरेंट कलर से करके बता दूं कि यहां से जो एंट्री है ना ये वाली, एक्सेप्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ डाइंग और प्रिंटिंग ऑफ द सेड टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अभी तक मतलब 1 जनवरी 2022 तक जो भी डाइंग या प्रिंटिंग का काम होगा, वो चाहे किसी भी पर्टिकुलर टेक्सटाइल के सेक्टर में हो, चाहे वो चैप्टर हेडिंग 60 से लेके 50 से लेके 63 तक में कहीं भी फॉल करता हो, वो 5% होगा। लेकिन अब उसमें जो जॉब वर्क है वो अगर इन द नेचर ऑफ डाइंग और इन द नेचर ऑफ प्रिंटिंग है, तो वो 5% नहीं होगा, वो हो जाएगा 18% जीएसटी के अंदर। ये काफी बड़ा चेंज किया गया है, 5% से बढ़ा के सीधा सीधा 18% जो है जॉब वर्क की कैटेगरी में डाल दिया गया है। जबकि गुड्स की रेट में जो आपका रॉ मटेरियल हुआ करता था, फिलामेंट यार्न वगैरह, उसको 18% से हटा के 12% में लाया गया है, और रेडीमेड गारमेंट्स को भी 5% से बढ़ा के 12% जो है वो किया गया है। लेकिन जॉब वर्क इन रिलेशन टू डाइंग और प्रिंटिंग, वो 5% में अब नहीं रहेगा, क्योंकि ये एंट्री जो है यहां पर अब एक्सेप्ट सर्विसेज करके इंक्लूड कर दी गई है। तो यहां पर अब एक्सेप्ट लिख दिया गया, तो ये 5 ही तो निकल गया, 18 में गया, ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा इसी की रेसिड्यूअल एंट्री के साथ। जो हमारी ये रेसिड्यूअल एंट्री है, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां लिखा गया है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऑन फिजिकल इनपुट्स ओन्ड बाय अदर्स अदर देन आइटम नंबर 1A, 1B, 1C, 1CA, यानी कि ऊपर जो दिए गए उसके अलावा जो बच गए वो सारे के सारे 18% वाली जीएसटी रेट में कवर हो जाएगा। तो डाइंग और प्रिंटिंग से रिलेटेड जो काम है वो अब 18% में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद जो पर्टिकुलर गुड्स की आइटम्स हैं, वो आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 63 का आइटम जो है वो 12% में चला गया है। चाहे वो चैप्टर 63 के अंदर आपका सैक्स हो, बैग्स हो, ट्रैपोलिंस हो, ओविंग्स हो, कितने कितने प्रोडक्ट्स हैं, चैप्टर 63 के अंदर जो आइटम्स दिए गए हैं वो 12% में है। इसकी आइटम वाइज डिटेल्स जो है वो हम लोग मैगजीन में इंक्लूड करने का कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 60 का आइटम्स जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 58 का भी आइटम्स जो है वो आपको अब 12% में देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 56 के आइटम्स जो है वो 12% के अंदर है। चैप्टर नंबर 55 के आइटम्स को 12% में इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप यहां पर अगर ध्यान देंगे, चैप्टर 50 से लेके 63 तक जो भी आइटम्स आ रहे थे उसमें मैक्सिमम आइटम्स अब 12% में इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि वो 12% का और 18% का जो आपको गैप मिलता इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का, उसे समाप्त किया जा सके। तो काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस, बेसिकली जॉब वर्क से रिलेटेड आपको ये समझना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो जीएसटी के रेट्स है वो किस तरीके से किस आइटम पे 5% से बढ़ा के 18% जो है वो किया गया है, और 12% जो है वो किया गया है।